मारी हो एक्सपोज, समझे तुम? मेरी बेटी किसने किडनैप की है? ये है वो शख्स, इसी ने किडनैप की है। खुदा के लिए प्लीज मुझे बताइए, आप जानती हैं ईमान कहाँ है? आप ये जानकर क्या करेंगे? आप तो ईमान को तलाक दे चुके हैं ना। किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप इन्हें? मरगूब अहमद की कंपनी में 10 करोड़ का फ्रॉड किया है इन्होंने। हेलो मामा, मामा मुझे मिनाल मार देगी, प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाए, जल्दी से। अब तो मैंने पूरा जाल बिछा दिया। अब अगर मैं तुम्हें मार भी दूं ना तो किसी को मुझ पे शक नहीं होगा। ऐसा मत करो, मैंने क्या किया, मत करो। चल ठीक है, चलो प्लीज छोड़ दो मुझे, बस नहीं, चलो छोड़ दो, ऐसे मत करो, मुझे छोड़ दो, नहीं करो ऐसे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? ऊपर से जाकर लेके फेंकूंगी तुम्हें। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। अब अगर तुम मुझे ये भी कहोगे ना कि मैं तलाक लेने लगी हूँ तो मैं तुम्हारा फिर भी यकीन नहीं करूंगी। चलो चलो। मिनाल, जोहा, नहीं, जोहा, जोहा तुम ठीक हो? जोहा, मिनाल, जोहा, अम्मी, जोहा, जोहा क्या क्या? जोहा, जोहा, मिनाल, ये क्या किया तुमने? मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं, तुम घर में ही रुकना, इसको कहीं जाने नहीं देना, इसको पुलिस के हवाले करना है। चलो पहले गाड़ी में उठाओ। मैंने यकीन करे, मैंने उसे नहीं गिराया, मैंने। फिलहाल मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। लेकिन सलमान, मैं ठीक कहती हूँ, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसी हो। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं गिराया उसको। मेरी बात तो सुनिए सलमान, बस एक बार। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अब तुम इस कमरे में बंद रहोगी जब तक मामा नहीं आ जाती, वही तुम्हारा फैसला करेंगी। सलमान नहीं, ऐसे ना करें सलमान, एक बार मेरी बात सुन ले। सलमान आपसे मेरी एक बार बात सुन ले, मैंने उसे नहीं गिराया था, वो खुद गिरी थी, मैंने नहीं गिराया उसे। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? आप सुन ले सलमान, सलमान मैंने उसे नहीं गिराया था, आप तो यकीन करें, मैंने नहीं गिराया उसे, वो खुद गिरी है। आप सुन ले सलमान, सलमान मेरी बात का यकीन कर ले, मैंने नहीं कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। सब खेल खेल रही है मेरे साथ। सलमान मेरी बात का यकीन कर, बात समझने। मिनाल नहीं समझना मुझे कुछ भी। डॉक्टर साहब मेरा पाँव फिसल गया था और मैं गिर गई। आर यू श्योर? जी श्योर। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो सलमान इसे तलाक दे दे या फिर मैं इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दूं। डॉक्टर साहब अब कैसी है उसकी तबीयत? जी जी शी इज ऑल राइट। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छी बात यह है कि कोई मेजर डैमेज नहीं, गिरने की वजह से कोहनियों और घुटनों में चोट लगी है, अगर कमर के बल गिरती तो मौत हो सकती। डॉक्टर साहब वो होश में है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिल लूँ उससे? जी मिल लें, लेकिन जरा एहतियात से, वो अभी बिस्तर पे उठ के बैठ नहीं सकती। जी जी ठीक है। आप प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना चाहेंगे या वार्ड? जी मैं प्राइवेट रूम ही लूंगा। इंशाअल्लाह तेरा शुक्र है। जोहा मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। डॉक्टर साहब, इसे होश क्यों नहीं आया अभी तक? ये ठीक तो हो जाएगी ना? क्या ये एक्सीडेंट था? नहीं डॉक्टर साहब, रोड एक्सीडेंट नहीं था, एक्चुअली छत से गिर गई है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताती हूँ, असल में ओहो मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, ये अच्छा ये बस और कोई बात नहीं प्लीज। क्या जरूरत थी छुपाने की? मुझे बताने क्यों नहीं दिया सारे? ओहो मैं सच नहीं छुपा रहा हूँ, मैं तो अपने घर की इज्जत बचाना चाह रहा हूँ। अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन आ गया ना कि मैं हमेशा सच्ची कहती थी। वो लड़की इसके कितने खिलाफ है। आज तो आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या कयामत आ जाती। सुहा तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो ये बात है, लेकिन क्या आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप लोगों के इख्तिलाफात किस बात में अपने वालिद के साथ? एक बहुत ही घटिया और अजियतनाक बात है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे एज ए लॉयर हायर कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा। हमारी बहन मिनाल, जिससे बाबा सख्त नफरत करते थे, जिसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, वो हमने जबरदस्ती अपनी बहन की शादी करवा दी। जिस चीज के बदले ले रहे हैं वो हम सबसे। पहले उसके शौहर पे कातिलाना हमला करवाया, यहाँ तक कि मिनाल के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करवा दिया। हाँ लेकिन इतना कुछ हो गया तुम लोगों के साथ, लेकिन तुमने पुलिस की मदद नहीं ली। पहले हम ये सोच के बर्दाश्त करते रहे कि बाप हैं वो हमारे, फिर हमने हर लिहाज खत्म करके पुलिस की कार्रवाई की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत सोर्सेज हैं उनके पास, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बिगाड़ूंगी तो मैं अब उनका, बस आप देखते जाएं कि अब मैं क्या करती हूँ। अब कैसा फील कर रही हो? मेरी अम्मा को बुला दे। बेटा उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही देखेंगे इस मामले को, और हम हैं ना तुम्हारी केयर करने के लिए। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुम्हारा घर है और मैं तुम्हें उस घर में वापस लेके जाऊंगी, क्योंकि अब उस घर में सिर्फ तुम्हारी जगह है, उस लड़की की नहीं। मामा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं बच कैसे गई। किसे फोन कर रही हो? सलमान को। हेलो मां। सलमान, मिनाल को कमरे से निकाला तो नहीं है तुमने? नहीं मां। चलो ये बहुत अच्छा हुआ। उसको कहीं जाने मत देना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचती हूँ। जोहा ठीक है? हाँ जोहा माशाल्लाह काफी बेहतर है। बाकी बातें मैं तुम्हें घर आके बताती हूँ, ठीक है? ड्राइवर के साथ मैं घर जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, ये फैसले मैं खुद करूंगा। नहीं, आपको मौका दिया था ना फैसला करने का। अगर आप सही फैसला कर लेते तो हालात इस हद तक ना पहुंच जाते। अब जो फैसला होगा वो मैं करूंगी। जोहा अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इन लोगों के पास ये एविडेंस कहाँ से आया? सब कुछ उनके हाथ में था, उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। हाँ, मगर उनके झूठे इल्जाम को झूठा साबित करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मैं सब कुछ बता सकता हूँ कि उन्होंने ये कैसे किया, बस उसे कोर्ट में प्रूव करना आपका काम है। ओके, तुम एक काम करो, इन पेपर्स पे साइन कर दो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बेल जल्द से जल्द हो जाए। जी जनाब, हो गई आपकी मुलाकात। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। अरे थैंक्स कैसा, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा, आपको मरगूब अहमद के पास भेजा था ना मैंने तफ्तीश के लिए, उसका क्या हुआ? आप आइए मेरे साथ। यह है ईमान बीवी के बच्चे के अगवा की रिपोर्ट, 3 महीने पहले की है, और जिस इंस्पेक्टर के पास यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसे भी मार डाला गया। यह है उसकी एफआईआर। अब आप ये बताइए कि ईमान बीवी की जो बच्ची अगवा हुई है वो दूसरी वाली है या पहली वाली है, और अगर पहली वाली है तो वो बाजियाब कब हुई और किससे बाजियाब हुई? पहले इन सवालात के जवाब लाइए ताकि मैं इनसे तफ्तीश कर सकूं। अरे मैडम, असल में ये औरत पागल है, अपनी बच्ची को भी मार दिया होगा और कहीं दफना दिया होगा। अब ये आपके सर पर सवार होकर केस मेरे पास लाई है, मुझे तो लगता है कहीं ये मुझे भी ना मार डाले। ये सारे एविडेंस आपके पास आए कहां से? क्यों, आप ये सब कुछ मुझसे छुपाना चाहती थी क्या? ये सब आपने मरगूब अहमद से मालूम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मरगूब अहमद से मिल चुके हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी इन सारे एविडेंस के जवाब के बाद, बहुत जल्द। मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात पे यकीन करें। क्यों यकीन करूं मैं तुम्हारी बातों का? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे मासूमियत है इसीलिए। और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसका क्या? झूठ है वो सलमान, मैं सच बता रही हूँ, वो सब झूठ है। मैंने उसे नहीं गिराया था, वो तो खुद ही वहाँ से। हाँ, खुद जानबूझकर, उसने तो खुद से किया है ना। पागल है वो, जिंदगी से इतनी बेजार हो चुकी है कि खुदकुशी करने पर तुल गई। और तुमने उसे थोड़ी गिराया है, बल्कि तुम तो उसे बचा रही थी। तुम कह रही थी, नहीं जोहा खुदकुशी मत करो, छुरी लेकर हाथ में। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। सब खेल खेल रही है मेरे साथ। सलमान मेरी बात का यकीन कर, बात समझ नहीं। मिनाल, नहीं समझना मुझे कुछ भी। मिनाल, आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। तुम क्या समझ रही थी? तुम उसे मार दोगी और तुम बच जाओगी? कोई बचा लेगा तुम्हें? कौन बचाएगा? मैं भी देखती हूँ कौन बचाता है तुम्हें। मामा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। बस, तुमने जो किया ना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, और अब मैं जो करूंगी उसे तुम देखोगी, क्योंकि तुम उसकी हकदार हो। सलमान, इसको सजा देने के लिए हमारे पास 2 ही हल हैं, एक तुम्हारे हाथ में और एक मेरे हाथ में। या तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं, या फिर तुम इसे तलाक दे दो। वहाब साहब, आप प्लीज मुझे बताएंगे कि ये सब मामला क्या था? मैंने आपको बताया तो है डॉक्टर साहब कि छत से गिर गई थी। हाँ, लेकिन अगर ये खुद छत से गिरी हैं तो अलग बात है, और अगर इन्हें गिराया गया है तो इट्स अ पुलिस केस। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे ख़ानदान की इज्जत आपके हाथ में है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी तो वही सवाल पूछेगी ना जो आप पूछ रहे हैं, और हमारा वही जवाब होगा। ये तो आप कह रहे हैं ना, पेशेंट तो कुछ नहीं कह रही। वो डॉक्टर साहब मेरा पाँव फिसल गया था और मैं गिर गई। आर यू श्योर? जी श्योर। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इनके लिए कोई अटेंडेंट अरेंज कर दीजिए, मुझे ज़रा किसी काम से जाना है। आप इनकी फिक्र ना करें, इनको मुसलसल अटेंड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा मुझे ज़रा किसी काम से जाना है, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। तुम्हारे पास नंबर तो है मेरा, मुझे फ़ोन करवा देना अगर ज़रूरत पड़े। ये तेरा देखो, मैं जानती हूँ कि मरगूब अहमद ने फ्रॉड का केस फ्रॉड से ही बनाया है, लेकिन झूठ को झूठ साबित करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। कल तक बेल हो जाएगी। ये केस मैं लड़ूंगा। तुम? ना सिर्फ यही बल्कि अपनी बेटी के अगवा का केस भी मैं लड़ूंगा, मरगूब अहमद के खिलाफ। क्या क्या ये सच है कि पापा जान ने ईमान भाभी की बेटी को मार डाला है? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बाबा जान को फांसी के फंदे तक पहुंचा दूंगा मैं। सलमान, इससे ज्यादा मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं दे सकती। तुम इसे तलाक दे रहे हो या मैं पुलिस स्टेशन फोन करूं? ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना, तो मैं ही कॉल कर लेती हूँ पुलिस स्टेशन। हेलो, क्या कर रही हो तुम? इस लड़की को पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ। और क्या कर रही हूँ मैं? कोई जरूरत नहीं है पुलिस को इन्वॉल्व करने की। क्या चाहते हैं आप? इसको इसके किए की सजा न मिले? मैं इस घर को तमाशा नहीं बनने दूंगा। वहाब, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो सलमान इसे तलाक दे दे या फिर मैं इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दूँ। पुलिस को दरमियान लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात तलाक की, तो तलाक एक बहुत अहम इकदाम है। क्या चाहते हैं आप? इस लड़की को इसके किए की सजा न मिले, इसे इसी तरह छोड़ दिया जाए ताकि ये मेरी और मेरे बेटे की जान के दुश्मन बन जाए। एक तीसरा ऑप्शन भी है मेरे पास। मेरे ख्याल में मिनाल बड़ी बेवकूफ लड़की है भाई। जिस छुरी से ठोका देके उसने तुम्हें छत से कूदने मजबूर किया, वही मार के तुम्हें कत्ल क्यों नहीं कर दिया उसने? वहाँ कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि इस वक्त सबकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेगी और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नसीरुद्दीन नाम है मेरा, अफाक अहमद या फाहम नहीं। क्या कर लोगे तुम? हाँ जमानत तो हो गई है तुम्हारी, लेकिन केस इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके तहत तुम पर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्हें देखो और बताओ कि इन्हें कैसे गलत साबित करोगी। कौन? इसमें तो बैंक इन्वॉल्व है और क्लाइंट्स की भी वेरिफिकेशन मौजूद हैं। जी हाँ, बैंक और क्लाइंट्स दोनों को यकीन है कि मरगूब अहमद का दावा सच्चा है, इसलिए उन्हें कन्विंस करना तो पॉसिबल नहीं है। और ये चाल यकीनन उसने तुम्हारे ऑफिस के फाइनेंस मैनेजर के साथ मिलकर चली है, लिहाजा वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो फिर क्या? केस को जीतना है। फिर कैसे राफे? है प्लान मेरे पास। कर लेंगे। जल्दी ठीक हो जाओगी, बस थोड़ी सी बातें कर। बहुत जल्दी फारिग कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। अरे हाँ, वो मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे घर ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। मैंने भी सोचा कि हॉस्पिटल आने जाने में इतना वक्त लगता है, घर में इसकी सही तरह केयर कर लेंगे। वैसे भी अगर इतने मामूली सहारे से माशाल्लाह से इतना अच्छी तरह चल रही हो तो बड़ी बात है। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे मेरे ख्याल में मिनाल बड़ी बेवकूफ लड़की है भाई। जिस छुरी से ठोका देके उसने तुम्हें छत से कूदने मजबूर किया, वही मार के तुम्हें कत्ल क्यों नहीं कर दिया उसने? क्या हो गया वहां बाप को? किस किस्म की बातें करें? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? ये नहीं कि इसको हौसला दे, डराए चले जा रहे। चलो तुम जोहा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलूं। आ जाओ। शाबाश। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? यही कि हमसे एक बहुत गलत फैसला हो गया। कैसा गलत था इसमें? हमारी दूसरी शादी हो जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि ये फैसला गलत था? सब ठीक हो जाएगा बेटा। कब ठीक होगा सब कुछ भाई? कब ठीक होगा सब कुछ? मैं जाकर नहीं, सलमान से मैं बात करूंगा। नहीं भाई, वहां कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त सबकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेगी और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मजान उनकी तरफ से इंतहा हो चुकी, अब हम आगाज करेंगे। वो हम पर इसलिए हावी रहे आज तक क्योंकि हम उन्हें बाप का दर्जा देते थे और नहीं। अब से लिहाज खत्म। ऐसा कैसे कर सकते हो मरगूब? अपने ही बेटे पे झूठा इल्जाम लगाकर तुमने उसे जेल भिजवा दिया। हाँ, मैंने उस पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाया, क्योंकि उसने भी मुझे जेल भिजवाया था, याद नहीं है? कोई इल्जाम लगाकर तुमने उसने जेल नहीं भिजवाया था। तुम बोल रहे हो तुमने उसकी बीवी पे गोली चलाई थी। बाप हूँ उसका, कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लेता। भाई तो तुम ही लिहाज कर लो, औलाद है तुम्हारी, और क्या क्या करोगे? देखते जाओ नसीरुद्दीन, मैं क्या क्या उनके साथ करता हूँ। मत करो मरहूम चौधरी, और कितने जुल्म करोगे तुम? अरे रहने का ठिकाना तक छीन लिया है तुमने उनसे। जैसे एक बात बताओ, ये तुमने अफाक में कैसे छीना? तुम नहीं जानते क्या? How would I know? मुझे कैसे पता? कब्जा लेने का तरीका मेरे स्टेट एजेंट का बताया हुआ था। उसने पुलिस के साथ जाकर अपने ही आदमी पर फायर किया। वो समझे कि गोली आफाक ने चलाएगी। आफाक गया जेल में और पीछे कब्जा लेना हो गया आसान। क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो यार, इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इंतकाम लेना चाहता हूं उन सबसे, सबको अपनी ठोकरों में रखना चाहता हूं। मेरी सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत को नीलाम किया उसने। मीडिया, अदालत, हर जगह उन्होंने मुझे बदनाम किया। अब उनको मेरे टुकड़ों पर रहना पड़ेगा। अच्छा एक और बात बताओ, ईमान की बेटी को भी तुमने अगवा करवाया था? तुम क्यों पूछ रहे हो? जो ही वैसे बच्ची को तो तुमने जिंदा कर दिया होगा। अरे यार जहां इतने राज बता दिए वहां ये भी बता देना। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो। क्या कर लोगे? नसीरुद्दीन मत करो ऐसा। तो क्या कर लो? मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। नसीरुद्दीन नाम है मेरा, अफाक अहमद या फाहम नहीं। अब बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो। यही कि लानत, मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। अरे बाहर में गई ऐसी दोस्ती। तुम बेटा, बाप, शौहर, भाई कहलाने के लायक ही नहीं हो। दोस्ती का ताना देते हो मुझे। अरे मैं जानता हूं, सिर्फ मैं जानता हूं कि तुमने अपनी मां को कितना रोला है। अगर तुम्हारी कोई बहन होती उसको जिंदा गाड़ देते तुम। तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों, उन पर कितना जुल्म किया तुमने, सब जानता हूं मैं। लेकिन अब सब खत्म। तुम जो कर सकते हो करो, ये खेल मैं खत्म करूंगा। अगर ऐसा है तो फिर जरा ये रिकॉर्डिंग तो सुनो। कब्जा लेने का तरीका मेरे स्टेट एजेंट का बताया हुआ था। उसने पुलिस के साथ जाकर अपने ही आदमी पर फायर किया। वो समझे कि गोली आफाक ने चलाई है। आफाक गया जेल में और पीछे कब्जा लेना हो गया आसान। अरे मैं तो उससे बहुत कुछ निकलवाना चाहता था, पर पता नहीं उसने कैसे सोच दिया कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मैं जेल की बजाय उसे फांसी दिलवाता। नसीर अंकल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपने उनकी फैमिली पे बहुत बड़ा एहसान किया। बेटा मुजरिम में तो मैं ही था। मैं तो बाप और बेटों के दरमियान मसालियत कराने की कोशिश करता। और बेटा अब तुम्हारा और राफी का काम ये है कि इन लोगों को का जायज हक वापस देना। डोंट वरी, ये हो जाएगा। मुझे खुशी हुई है सुन के। जीती रहो। रिकॉर्डिंग वीडियो हुई थी या ऑडियो? ऑडियो हुई थी, फोन उल्टा पड़ा हुआ था। ओके, क्या आपको अपने सारे अल्फाज एज इट इज याद है? एज इट इज? जी हाँ, जो अल्फाज आपने कहे। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो आप चाहते हैं। मुझे एक पेपर पे लिख के दे दें, बाकी मेरा काम। ठीक है। क्या हुआ? वक्त की सितम जरीफी पर हंस रही हूँ। क्या मतलब? आपकी जिद हार गई और मेरा सब्र जीत गया। मैं जानती थी कि आप एक दिन वापस जरूर आओगे। अगर आज भी वही बात करोगी तो फिर मेरी इज्जत से नहीं जीत पाओगी। मैं आज भी वही कहूँगी। वो अलग बात है कि उस दिन मैंने आपको वजह नहीं बताई थी, मगर आज मैं आपको वजह बताऊंगी कि मैंने वो सब कुछ क्यों कहा। क्या आप मिनाल को छोड़ दो मैं फिर माँ बनूंगी, क्योंकि मैं मिनाल को जानना चाहती थी, परखना चाहती थी, और जब मुझे पता चला कि वो मुझसे नफरत करती है तो मैं अपने बच्चे को उसके रहमो करम पर पैदा करके नहीं छोड़ना चाहती थी। वो मुझसे इतनी नफरत करती है तो मेरे बच्चे से कितनी नफरत करती। और वैसे भी सलमान, अब तो सब जानते हैं कि मिनाल कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन अब तो मिनाल यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मगर हमारी जिंदगियों में तो है। और वैसे भी सलमान, आपकी तो मोहब्बत की शादी है ना, इसलिए जब तक आप मिनाल को तलाक नहीं दे देते मैं आपको किसी किस्म का हक नहीं दूंगी। तुम क्यों फंसोगे? तुमसे सिर्फ अदालत पूछेगी, जो हम कहें बता देना, तुम्हारा काम खत्म। मेरा मतलब है कि मुझे बाद में खतरा हुआ तो 2 लाख रुपए दिए तो इस काम के। तुमको दुबई भी जाना था ना, भिजवा देंगे, नौकरी भी दिलवा देंगे। क्या वाकई? हाँ। कहीं बाद में आप, मेरा मतलब है कि आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे ना? गवाह खरीदते हैं तो उसको अपने खिलाफ नहीं करते, ये जानते हो तुम। कि मेरा यकीन रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुरू करें? जी बिल्कुल। वैसे एक बात तो बताओ, तुमने किस तरह छीना फ्लैट आफाक से? तुम नहीं जानते क्या? नहीं। कब्जा लेने का तरीका मेरे स्टेट एजेंट का बताया हुआ था। उसने पुलिस के साथ जाकर अपने ही आदमी पर फायर किया। वो समझे कि गोली आफाक ने चलाई है। आफाक गया जेल में और पीछे कब्जा लेना हो गया आसान। उनके वकील के तो जान के लाले पड़ गए सर, अदालत ने उनको नोटिस भेज दिया। मगर अब मेरा क्या होगा सर? तुम फिक्र मत करो, हमारा वीज़ा अप्लाई कर दिया, शाम तक आ जाएगा और कल फ्लाइट से तुम्हें दुबई भिजवा दिया जाएगा। अब तुम खुश हो? जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुश। तुम ऐसा करो, इसे अपने साथ ले जाओ और अपनी हिफाजत में कल इसकी बोर्डिंग करवा देना। आप फिक्र ना करें सर, आओ। I see. तो तुमने गेम खेल लिया? गेम नहीं नसीरुद्दीन, किस्मत कहो, किस्मत। क्यों, कैसे फोन किया मरगूब चौधरी? नसीरुद्दीन, अपने फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दो। मैं एक बहुत राज की बात बताने लगा हूँ। अब भी कोई राज की बात बाकी है क्या? हाँ, सबसे बड़ा राज। शायद तुम्हारे वकील ने शर्मिंदगी की वजह से अब तक तुम्हें नहीं बताया। तुमने जो मेरी आवाज में मिमिक आर्टिस्ट को हायर किया था झूठ बुलवाने के लिए ना, उसने अदालत में जाकर सच सच बता दिया सब कुछ। मिमिक आर्टिस्ट? हाँ मिमिक आर्टिस्ट। तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना नसीरुद्दीन? आई सी। तो तुमने गेम खेल लिया? गेम नहीं नसीरुद्दीन, किस्मत कहो, किस्मत, जो हमेशा मेरे साथ है। तुमने अच्छा नहीं किया नसीरुद्दीन, अपने ही दोस्त को धोखा दिया। जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बहुत बुरा होता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ मरगूब चौधरी, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि हमेशा से कायम रहने वाली दोस्ती हमेशा के लिए दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। मरगूब चौधरी, एक बात जरा गौर से सुन लो, ये बात अब बच्चों की नहीं रही, अब इसमें मेरा नाम आ गया। मरगूब चौधरी, यू नो मी वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अगर मरगूब अहमद ने उसको पैसे देकर लालच में ये सब कुछ करवाया है तो हम उससे बड़ी रकम देकर उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। मामा, मैंने सलमान को भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो मनाल को तलाक नहीं देगा मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। अब हार ना मानने का इरादा है, उसी में हमारी जीत होगी। बस एक बार अरे लगते मिलना चाहता था आप सबसे। ईमान, ईमान क्या कर रही हो तुम?